गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अभी हो गया है चाय का टाइम, नीरव स्कूल जा चुका है और विनोद नीरव को छोड़ के आ गए हैं, तो मेरी चाय भी रेडी है। पहले हम पियेंगे चाय और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना आज का मॉर्निंग रूटीन। तो एक्चुअली हर मॉर्निंग अलग अलग होती है, बट फिर भी रूटीन तो रूटीन ही है। और आज परी को पता नहीं क्या हुआ है, वो सुबह से उठी है तब से चिढ़ी हुई है। आई थिंक उसके जो टीथ आ रहे हैं उसकी वजह से ही बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसने दूध भी नहीं पिया, थोड़े से ओट्स ही खाए हैं और उसके बाद वो इसी तरह से सोई है। तो परी सो गई है और अभी मेरे पास है गोल्डन चांस। वैसे अभी 9:15 हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं अपने जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में वो डाल देती हूँ और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी मशीन है ये बॉश की मशीन है और ये 7 kg की है। और इसमें यहाँ पर LED डिस्प्ले है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि वो किस पावर पे चल रही है और कितनी देर उसमें टाइमिंग वगैरह वो सब यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे वाटर प्लस का है वो भी है कि उसमें अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर शो कर देगा। और बाकी इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। सुपर का है जो 15-30 मिनट्स का होता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसका। 15 मिनट्स में अगर कम कपड़े हैं और मैले नहीं है तो वो अच्छे से धुल जाएंगे। तो मैंने अपने सारे कपड़े इसमें भर दिए हैं और कपड़े डालने के बाद आप जिस मोड पे आप धोना चाहते हो वहाँ पर इसको लगा दो। मैं डेली वॉश पर लगा देती हूँ क्योंकि ये डेली के कपड़े हैं। उसके बाद मैंने स्विच को कर दिया है ऑन और यहाँ पे चला जाएगा मेरा जो भी डिटर्जेंट पाउडर होता है वो डाल दीजिएगा। और ये इसकी मेजरमेंट इसमें स्पून आती है उसी से मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे अब ये डिस्प्ले हो रहा है और ये शो कर रहा है कि 45 मिनट्स में ये डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे स्पीड परफेक्ट भी आ गई, तो अब मैं इसको बस जस्ट स्टार्ट कर दूँगी और स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह से आप जिस भी मोड पर धोना चाहते हैं वहाँ पर करके और इसको ऑन करके छोड़ दीजिएगा, कपड़े अपने आप धुल जाएंगे, बहुत ईजी हो जाता है। और परी सो गई है तो अब मैं फटाफट से अपनी कर लेती हूँ क्लीनिंग, जो कि मॉर्निंग का काम है। और बिस्तर वगैरह मैं उठा देती हूँ पहले, बट अभी हो नहीं पाया क्योंकि आज परी के साथ ही थी मैं, तो वो सो गई है तो मैं अभी कर लेती हूँ सब। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेम था परी का वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इस वाली वॉल पे लगवाया है। और ये मुझे किसी ने बोला था इस फ्रेम को दिखाने के लिए, तो ये मैंने स्पेशली आपके लिए दिखाया है। वैसे मैंने इस दीवार पे लगाने का सोचा था, ये पूरे को कवर कर लेता बहुत अच्छा लगता, बट विनोद ने बोला कि नहीं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो मैंने कहा इट्स ओके, चलिए। और एक ये वाला मैंने स्टिकर मंगवाया था अमेज़ोन से, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे हाइट मापनी पड़ती है बच्चों की तो बार बार थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। मैंने परी और नीरव की दोनों के हाइट का यहाँ पे लगा दिया है। और आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा।
और आज ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं ब्रेड, क्योंकि विनोद और भाई दोनों जिम गए थे, तो जिम से आने के बाद उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ ब्रेड और पीनट बटर दो, क्योंकि दोनों को ही वेट लूज़ करना है। और यस, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि विनोद बहुत ही पतले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो देखिए मैं तो उसको खाने को देती हूँ, बट वो अभी डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि थोड़ा सा भी उनका टमी बाहर निकला हुआ हो। और नीरव को भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, नीरव मेरे भी पीछे पड़ा रहता है, और विनोद को तो बस बोलता है कि उनको सिक्स पैक्स बनाने हैं। तो अभी विनोद जिम कर रहे हैं, उनको एक्चुअली खुद भी वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, तो इसलिए जिम करके आए हैं। तो उन्होंने बोला है कि पीनट बटर के साथ, ब्रेड के साथ पीनट बटर दे दो, तो मैं उनको वही दे रही हूँ। और मैं सिंपल ब्रेड और चाय लूँगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो ओट्स बचा हुआ था मैंने वो खा लिया है, तो बस मैं एक ब्रेड और चाय लूँगी, और ये मैं बस उनके लिए बना रही हूँ। तो यही है आज का ब्रेकफास्ट, और चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से ही। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, और उसके बाद मैं किचन को करती हूँ क्लीन, क्योंकि अभी मेड तो काम करके जा चुकी है, वो 9:30 आ जाती है, तो झाड़ू पोछा हो चुका है, बट मेरे बर्तन रहते हैं, तो पहले मैं जो रात वाले बर्तन हैं वो लगा दूंगी, क्योंकि वो रात को गीले रहते हैं, तो मैं इसलिए रात को नहीं लगाती उनको, मॉर्निंग में ही लगाती हूँ जब तक वो पूरी तरह से सूख जाते हैं। क्योंकि अगर आप गीले बर्तन लगाते हो, अलमीरा वगैरह में रख देते हो आप ऐसे ही, तो उसमें कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है, और मुझे सच में बताऊँ तो मेरे को कॉकरोच से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बहुत केयर करके रखती हूँ। मेरे घर में है भी नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आप जितना साफ़ सफाई रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही होता है, तो मैं थोड़े कैबिनेट्स की सफाई रखती हूँ, तो इसलिए उनसे मेरा पीछा छुड़ा हुआ है, और वैसे भी कैबिनेट्स भी ख़राब होती है और फिर वहाँ से स्मेल भी आती है, तो इसलिए बर्तन हमेशा सूखने के बाद ही रखें। और जो मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन है, अभी देखिए 12:30 हो चुके हैं, उसको मैं क्या करूँगी, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं पर मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने परी को भी नहला धुला दिया है, और नहा धो करके परी सो गई है, ताकि मैं अब काम कर पाऊँ। और उधर चल रहा था मेरा क्राइम पेट्रोल, तो चलिए मैं फटाफट से, और देखिए मेरी सारी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, शिखा काम करके चले गए थे, तो पहले मैंने सोचा कि मैं पहले डस्टिंग ही कर दूँ किचन को एक बार में, बाकी घर तो क्लीन रहेगा, किचन को एक बार बाद में कर लेंगे। तो मैं परी के सोने का ही वेट कर रही थी, परी को नहला धुला के मैं सुला दिया है, और ये रूम में ऐसे ही रहता है, विनोद के पेपर्स फाइल होती हैं, तो जब तक उनका ऑफिस नहीं है तो तब तक वो यहीं पर काम करेंगे, तो ऐसे ही रहेगा, बट ठीक है। और मैंने ये वंडर शेफ का मिक्सर मंगवाया था, मैं इसका रिव्यू अभी, आज मेरे पास टाइम नहीं इसको ओपन करने का, तो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और आज मैंने कुछ और मंगवाया था, मैं वो शेयर करूँगी। अभी मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन, और मैं आप लोगों को पूरा किचन क्लीनिंग का लिंक शेयर कर दूँगी।
तो फ्रेंड्स मैंने ये लिया है, एक मिक्सिंग बॉल है ये ग्लास का। तो एक्चुअली क्या था कि जो मेरे को स्प्राउट्स होते हैं उसको रखने के लिए मेरे को चाहिए था। वैसे तो है स्टील के, बट उनके जो कैप है उनकी वो वर्क नहीं कर रही है, तो वो थोड़े से ना जैसे फ्रिज में रखते हैं तो ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मैं स्प्राउट्स वगैरह रख सकूँ और मुझे नज़र भी आते रहे कि हाँ मैंने इसको रखा हुआ है और ये मेरे स्टॉक में है। तो मैंने सिर्फ उसी के लिए इसको लिया है और इसकी आप थिकनेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा है और ये स्क्रैच फ्री है और क्या कहेंगे, ये डिश वॉशर है, सेफ़ है और माइक्रोवेव सेफ भी है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक ये मैंने लिया था, ये भी 2-3 दिन पहले ही आया है, ये मैंने सिर्फ आटा रखने के लिए लिया था बट बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो इसकी भी एक कैप कैप के साथ है ये भी, और ये शायद 500 ml का है, जो बड़े वाला है वो 1000 ml का है। तो सफिशियंट है ये हमारी फैमिली के लिए और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरे प्लास्टिक वाले हैं वो ख़राब हो गए, तो वैसे मैं प्लास्टिक को फेंक रही हूँ, मैं उनको यूज़ नहीं करूँगी, धीरे धीरे अपना चेंज करूँगी। और जो सेकंड चीज़ थी, जो मेन चीज़ है वो है ये चोपर, ये हैंड चोपर है। और सच में यार ये मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इतनी अच्छी चीज़ कैसे मिल सकती है। आई थिंक इसका रेट तो 495 समथिंग है, यस इसमें दिख रहा है, हाँ 495 है, बट ये मुझे 250 के अराउंड पड़ा है। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं रिकमेंड करूँगी। और यस फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने घर के लिए ख़रीदा है और मैंने मम्मी को बताया तो मैं मम्मी के लिए भी मंगवाऊँगी। ये बहुत ही अच्छा 250 में, यार जैसे आप सब लोगों को पता है जब मैं प्याज के परांठे बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैंने सिर्फ उसी के लिए इसको मंगवाया है और मैं आप लोगों के सामने इसको ओपन कर रही हूँ। ये आ तो 2 दिन पहले गया था, मैंने ये वीडियो तभी शूट कर ली थी ताकि मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाऊँ, तो मैंने उसको अलग से ना डाल करके मैंने सोचा अपने ब्लॉग में ही डाल देती हूँ उस चीज़ को। और ये देखिए इसकी सारी पैकेजिंग वगैरह है ये सब, और इसका जो कलर है ये तो मेरा फेवरेट कलर है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, बहुत बहुत ही कॉम्पैक्ट है ये, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्पैक्ट है। इस वजह से मैंने इसको काट करके देखा तो मैं इसको लाइव करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये इसको साथ के साथ मैं जब इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैंने आप लोगों के सामने इसको यूज़ किया। मैंने इसमें अनियन के जैसे 4 पार्ट करके ऐसे डिवाइड करके इसमें काट दिया, 4 या 6 है जो भी है, मैंने सोचा था कि शायद ये नहीं करेगा इसलिए मैंने इसके ज़्यादा किए हैं अनियन के। तो मैंने इसको अनियन को काट के डाला और इसको सिर्फ मतलब 3-4 बार अगर आप खींचोगे, मुझे लगा था खींचने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइट होगा बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत सॉफ्टली खींच रहा है, मतलब अगर मैं नीरव को बोलूँ तो वो भी ये काम ईजिली कर सकता है और मुझे इतना अच्छा लगा है। ये देखिए मैंने इसको अभी 5-6 बार खींचा है और इसकी आप देख सकते हैं इसको कितने अच्छे से इसने चॉप किया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब यार सच में मैं तो रिकमेंड करूँगी अगर आप लोगों को लेना है तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने की बजाय अगर सिर्फ चोपर चाहिए तो ये वाला बेस्ट है। इसमें गाजर, खीरा, पालक और अनियन, सबसे ज़रूरी तो अनियन ही है, टमाटो, मतलब आप कुछ अगर आपको कुछ चॉप करना है तो आप इसमें कर सकते हो और कितना ही आप इसको बारीक कर सकते हो 6 से 7 बार यूज़ के लिए। तो मेरी तरफ से तो इसको थम्स अप है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं इसको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो यही था आज का फ्रेंड्स मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर ये आप लोगों को पसंद आया है तो इसके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच योर लवली कमेंट्स सभी के लिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।